हेलो दोस्तों, स्वागत है आप इस बीच चैनल में। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बीए बीकॉम बीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों कि थर्ड राउंड यानी कि सीएलसी सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। जैसा कि आप सुबह चेक कर रहे थे तो मेरिट पोजिशन चेक कर बता रहा था। जब आप अपना मेरिट लिस्ट चेक करते थे तो तब मेरिट पोजिशन बताता, लेकिन उसके बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है। मेरिट पोजिशन के बाद में हमको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, तो वो अलॉटमेंट लेटर आ चुका है बीए बीकॉम बीएससी का। तो जल्दी से चेक कर लेना। कैसे चेक करना है मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो से बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है ई प्रवेश की। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है सुबह से, यहाँ पर जो कि दो से दो लिंक ही शो कर रहे थे, लेकिन शाम को 4 बजे के टाइम पर ये सारे जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक है वो आ चुका था। शाम को 4 बजे के टाइम पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक आ चुका था, लेकिन मैं आपको थोड़ा लेट अपडेट दे पा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इसका जो बहुत बड़ा कारण क्या है लेट अपडेट देने का। ओके, तो यहाँ पर जो लिंक्स हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर कौन कौन से लिंक्स हैं वो आ गए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो कितनी तारीख तक वैलिड रहने वाले लिंक वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पूरा वीडियो देखना है तभी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपने देख लिया होगा, ये सारी प्रोसेस देख ली होगी, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ सके। 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर पाएंगे, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। और जो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड लिंक पर क्लिक करना है। अलॉटमेंट लेटर केवल उन्हीं स्टूडेंट का शो होगा, उन्हीं स्टूडेंट्स का डाउनलोड होगा जिन्होंने चॉइस प्लिंग की थी। चॉइस प्लिंग की थी कब, सीएलसी राउंड में, सीएलसी राउंड या सेकंड राउंड में जिन्होंने चॉइस प्लिंग की थी केवल उन्हीं का जो कि यहां पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। और जिनका मेरिट पोजीशन शो कर रहा है केवल उन्हीं का यहां पर डाउनलोड कर पाएंगे, और कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। 7 अक्टूबर तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूँ, जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है जो और उस कोर्स में मिला है उसमें जरूर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में कोई भी जो कि राउंड नहीं होने वाला है, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा। तो जो भी कॉलेज आपको मिलता है उस कॉलेज में जल्दी से एडमिशन ले लें, क्योंकि फिर इसके बाद कोई भी राउंड नहीं है और आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फिर एडमिशन लेने के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज ही जो कि चॉइस करना होगा, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, इसके बाद में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में क्या करना होता है, हमको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। और फीस सबमिट करने के लिए यहाँ पर 4 नंबर पर एक लिंक दिया है, एडमिशन फीस सबमिट UGCLC 2। तो इस लिंक के माध्यम से हम अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। फीस कब सबमिट, क्योंकि 7 अक्टूबर तक हम सबमिट कर पाएंगे। ओके, इसके बाद में अगर आप फीस सबमिट कर लेते हो, फीस की जो रिसिप्ट निकालना भूल जाते हैं तो रिसिप्ट निकाल सकते हैं। इसके जस्ट नीचे एक लिंक दिया गया है, ये भी 7 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। इस लिंक के माध्यम से आप अपनी फीस को सबमिट, जो कि फीस की रिसिप्ट है, वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अलॉटमेंट लेटर सेकेंड लिंक के माध्यम से जो कि हमको डाउनलोड करना है, इसके बाद में हमको अपनी फीस सबमिट करें। जिस भी कॉलेज में आपको मिला है उस कॉलेज में जरूर एडमिशन ले लें। फिर आपका मन है, अगर आपको पसंद नहीं है वो कॉलेज तो आप बिल्कुल एडमिशन ना लें, आप प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में जरूर एडमिशन ले लीजिए पी सबमिट करके। ओके, तो अब अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड किस तरह से करना है, पी सबमिट कैसे करनी है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ओके, यही जानकारी थी जो आपके लिए बताना जरूरी था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को इंपैक्ट करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक बाय।